थैंक यू सो मच सर. जी हाँ मेजर, आपने ये पॉइंट बहुत सही बोला है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स जिन्होंने किया है, ट्वेल्थ आर्ट्स किया है, वो सारे के सारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा रहे हैं. बट हमें कौन सा हम कोर्स ले रहे हैं वो हमने आपका रेलिवेंट है या नहीं है ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आर्ट्स आपने किया है, ट्वेल्थ आर्ट्स आपने किया है, तो आपके पास कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशियोलॉजी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, ड्राइंग आपका हो गया, पंजाबी हो गया, यू नो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. तो हमेशा आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो भी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, जो भी आपने एक एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको आपने उठाना है. बट मेक श्योर उसके जो मार्क्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर होने चाहिए और सब्जेक्ट से. मान लो लेट सपोज एक स्टूडेंट है, ट्वेल्थ किया है, उसने पंजाबी, इंग्लिश ये सारे पढ़े, बट साथ में सोशियोलॉजी पढ़ा है, तो उसको वो वाला जो कोर्स है, हम स्टूडेंट्स को सोशल सर्विस वर्कर ये प्रोग्राम दे सकते हैं. कोर्स से ही आपको पता चल रहा है हमने सोशियोलॉजी को अपलिफ्ट किया है. तो हमने जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके रिलेटेड ही हम कोर्स दें, ठीक है. अब उसके बाद एक और कोर्स आता है कि अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म, अब मेजरली अगर मैं देखती हूँ तो कई स्टूडेंट्स को ट्रैवल एंड टूरिज्म सबको दे रखा होता है, लेकिन ट्रैवल एंड टूरिज्म टेक्निकली उस स्टूडेंट को जाता है जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखा है, साथ में हिस्ट्री पढ़ रखा है, यानी कि उसको हिस्टोरिकल सारी लोकेशंस का पता है एंड ज्योग्राफिकल ही इज ऑल्सो अवेयर कि कौन सी जगह पे क्या है. तो उसको अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला कोर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपके बेटरमेंट के लिए और आपके एक्सपोजर के लिए वो कोर्स बहुत अच्छा होगा. अब एक स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं कि जिन्होंने आर्ट्स पढ़ रखा है बट उसके साथ में इन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव. ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको थोड़ा सा बिजनेस के कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा सा आईटी, प्रेजेंटेशन, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, एमआईएस, ये सारा आपको बताया जाएगा इस कोर्स में. अगर आप में इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करो तो जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे छोटा ऑफिस हो चाहे बड़ा ऑफिस हो, हर जगह पे एक एडमिन ऑफिसर की जरूरत होती है. तो दिस इज यू नो काइंड ऑफ दिस थिंग ओनली जो कि एक ऑफिस को मैनेज करे, डेटाबेस को मैनेज करे. तो इसमें जॉब प्रस्पेक्टिव इज कंपैरेटिवली हाई, ये लीड करता है सीधा बिजनेस एंड आईटी के लिए. तो अगर स्टूडेंट ने आर्ट्स किया है विद इकोनॉमिक्स तो वेरी गुड प्रोग्राम, यू नो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव इज रियली वेरी गुड प्रोग्राम. अब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया है तो देन यू कैन गो फॉर द पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म, ये आप कर सकते हैं. तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आप सबसे ज़्यादा किस में स्कोर कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपको कोर्स देने हैं. सो अगर आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कौन ले सकता है, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेसिकली वो स्टूडेंट ले सकते हैं जिनके पास जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं सारे, लेकिन साथ में उन्होंने होम साइंस भी एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो यू कैन गो फॉर द हॉस्पिटैलिटी. अब उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है पुलिस फाउंडेशन, आप पुलिस फाउंडेशन का कोर्स भी ले सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स भी ले सकते हैं. आपने आर्ट्स पढ़ा है लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आईटी की तरफ ज़्यादा है, बट क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है आप आईटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो फिर आपके लिए कोर्स है एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगेन अ रियली वेरी गुड प्रोग्राम फॉर यू. सो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है आर्ट्स के रिलेटेड, तो आर्ट्स के रिलेटेड अगर आपकी प्रोफाइल है आप आए हमारे ऑफिस में अपनी असेसमेंट करवाएं, लेकिन हमेशा स्पेशलाइज्ड कोर्स अप्लाई करें. सारे स्टूडेंट अगर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे तो बाकी के सारे सब्जेक्ट तो रह गए ना, तो उसके लिए कैसे वीजा आएगा. तो आपको हमेशा स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जाना है.